मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। दरअसल ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने का ढोंग कर रही है। साथ ही कहा कि कमलनाथ को संसद का अनुभव है, विधानसभा का अनुभव नहीं है। साथ ही कहा कि वो खुद को आदिवासी हितैषी कहते हैं। वो सच्चे हितैषी तब माने जाएंगे जब किसी आदिवासी को कोई पद देंगे। वहीं कांग्रेस से नियुक्ति को लेकर कहा कि बीजेपी को इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, उनकी पार्टी में कोई हो तो बताएं। स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग रहे वो हमारे पूर्वज थे। किसी की पार्टी में आज है वर्तमान में? कमलनाथ जी थे क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? ये कोई हम इसलिए नहीं है, ये ऐसी बेतुकी बात पता नहीं क्यों करते हैं। कल तो उनने आदिवासी दिवस को श्रद्धांजलि दे दी, हमारे बागरी जी को श्रद्धांजलि दी नहीं उनने। हमें समझ ही नहीं आ रहा, कह रहे कि हम जो है, मैं संसद का अनुभव है, विधानसभा का मुझे अनुभव नहीं है। अब 30 साल में तो तोता पिंजरे में सीख जाता है। 30 महीने हो गए उन्हें, 30 महीने सदन में आए, नए विधायक बढ़िया बोलने लगे, पर ये कहते यही है कि मेरे को सदन का ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान नहीं है तो छोड़ो, जो ज्ञानी है उसको आने दो। जब आपको सदन का ज्ञान ही नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों? देखिए, ये एक ढोंग कर रहे हैं समाज को बांटने का, जो कल उनने उसके अंदर किया सदन के अंदर, ये उनके हित के लिए। अच्छा, कमलनाथ जी 15 महीने थे, 5वीं अनुसूची लागू क्यों नहीं की उनने? जनजाति वर्ग के इतने हितैषी थे तो। और मैं तो कह रहा हूं, कमलनाथ जी आप सच्चे हितैषी तब माने जाओगे जब आप पे दो दो पद है। नेता प्रतिपक्ष का पद किसी जनजाति के बंदी आदिवासी बंधु को दे दो, आप क्यों घेरे हो उस पद को? आप खुद भी कह रहे हो कि मुझे आपको विधानसभा का ज्ञान नहीं है, पहल करो। भाजपा में पर्याप्त है, हमको कांग्रेस को लेने की जरूरत नहीं है। ओवरलोड